अरे इतनी हड़बड़ी में क्यों है और कहाँ भागी जा रही है? क्या बताऊं यार, उनको ऑफिस जाना है और मुझे खाना बनाना है, इतनी जल्दी है और मेरी किचन में ना टाइम पर कोई सामान मिलता ही नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट होने लगती है। अरे तो इसमें घबराने वाली बात क्या है, जिन चीजों की तुझे जरूरत पड़ती है, जिस सामान की जरूरत पड़ती है, उसी सामान को किचन में काउंटर टॉप पे रख, फालतू का सामान वहां से हटा दे सारा। अरे जब खुद किचन में काम करो ना, तब पता चलता है कि कैसे करते हैं, कहने को तो कोई भी कह देगा कि कहाँ पर सामान रखना है और कहाँ पर नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स होमली हैबिट, माई सेल्फ नीतू, एंड इस चैनल पर अपनी होम मेकिंग जर्नी में आपके साथ में शेयर करती चल रही हूँ। बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। तो कैसे अपनी किचन को फंक्शनल बनाएं और चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे हम जो डेली के काम करते हैं उनमें हमें आसानी हो। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आप तुरंत उसे देख पाए। तो बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये है मेरा काउंटर टॉप जो कि एल शेप में है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा, ज़रूरत के हिसाब से ठीक ठाक है। और ये वाला जो स्पेस है वो पूरा ही मेरा प्रिपरेशन और कुकिंग जोन में आता है। मैं सब्जियाँ छीलती हूँ, काटती हूँ, आटा लगाती हूँ, खाना बनाने से पहले जो भी प्री प्रिपरेशन करनी होती हैं वो सारी यहीं पर होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की सारी ही चीज़ों को रिमूव कर दिया और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग की ज़रूरत थी वो भी कर दूँगी, क्योंकि ये स्पेस ऐसा है जब हम कुकिंग करते हैं तो यहीं पर हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो इसे मैं अपनी नीड के हिसाब से जो भी चीज़ें मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या आफ्टरनून हो कुकिंग से रिलेटेड होती हैं वही सारी रखूँगी, जिससे कुकिंग के टाइम पे मुझे इधर उधर ना भागना पड़े, या अगर मुझे कोई चाकू चाहिए, घी चाहिए, टिशू चाहिए तो वो सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। साइड में थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर मैंने अपना DIY किया हुआ ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर रखा है और इसमें रखूँगी मैं मनी प्लांट्स को। तो इन मनी प्लांट्स को मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल में ग्रो कर लिया, इससे मेरी जो प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल थी वो भी रीयूज़ हो गई और अब मैं इसे अपने DIY प्लांटर के अंदर रख दूँगी। इससे हमारी जो अगली सी चीज़ें हैं वो भी हाइड हो जाती हैं और जो वेस्ट पड़ा होता है वो भी रीयूज़ हो जाता है। और ग्रीनरी तो एक एस्थेटिक होती ही है हर लुक के लिए। यहाँ पर सारी ही चीज़ें अच्छे से अरेंज हो गई हैं, टिश्यू है, घी है, नाइफ्स हैं और पीछे में एक एक्स्ट्रा ट्रे भी रखी हुई है। यहाँ से आगे बढ़ते ही कुकटॉप के बिल्कुल पास ही मैंने एक शेल्फ रखी हुई है और इसमें भी सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज है, बट मेरी नीड के हिसाब से ये उतना फंक्शनल नहीं है जिससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कुकिंग करने में। तो अभी मैं यहाँ से सारी ही चीज़ों को रिमूव करूँगी और जो ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही क्लीनिंग मैं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सारी ही क्लीनिंग कर चुकी हूँ। एक एक्स्ट्रा टिप है आप लोगों के लिए, जो भी आपके ग्लास के या सिरेमिक के जार या फिर कंटेनर हैं आप उन्हें डायरेक्टली काउंटर टॉप पर ना रखकर कुछ मैट या किसी कपड़े के ऊपर रखिए, इससे उनमें क्रैक आने का डर भी नहीं रहता और आपकी चीज़ें लंबे टाइम तक बहुत अच्छी कंडीशन में बनी रहती हैं। इस शेल्फ के अंदर मैंने टी, शुगर के कंटेनर्स रखे हैं और साल्ट एंड सब्जी मसाला का कंटेनर रखा है। तो इस तरीके से मुझे जो मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई और ऊपर मैं रखूँगी दोनों कुकिंग ऑयल और रखूँगी साथ में अपना एक DIY किया हुआ ऐसा कंटेनर, इसमें मैं अपने सारे ही वुडन स्पैचुला रख दूँगी। और इसके बाद जो साइड में थोड़ी सी जगह आपको दिख रही है वहाँ पर मैं ऐसा एक प्लेस मैट रखूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी वाटर जग। तो अब ये पूरा ही कॉर्नर मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून के लिए कम्प्लीट तैयार हो चुका है। पानी भी यहीं पर रखा है, कुकिंग ऑयल भी है, स्पैचुला भी है और सारी ही चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई।
तो आइए अब चलते हैं हम कुकटॉप से आगे, और यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है वो मेरा सर्विंग जोन है, यानी कि खाना बनाने के बाद जब मैं किसी को देती हूँ तो यहीं पर थाली प्लेट लगाती हूँ। अब बारी है इसको अरेंज करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ऐसे DIY किए हुए कंटेनर रखूंगी, और इनमें मैं स्पून, फोर्क, पिज्जा कटर, कोई नाइफ या सीजर रखूंगी जिनकी जरूरत पड़े। और उसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है वहां पर मैं रखूंगी अपने अचार के कंटेनर्स, क्योंकि जब हम किसी को खाना देते हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ट्राई करिए इन सारी ही चीजों को हैंडी रखने का। और अब रखूंगी ये हाजमोला की छोटी छोटी सी क्यूट सी बॉटल्स, जिनमें मैंने काला नमक और टूथपिक्स रख दिए हैं। और अब ये कॉर्नर पूरी तरह से फंक्शनल है, ना तो मुझे कोई घबराहट होगी किसी को खाना देना होगा और ना ही इधर उधर भागना पड़ेगा। ये है मेरी किचन का सबसे ज़्यादा मैसी पार्ट। यहाँ पर मैं कुछ बर्तनों को ऐसे वॉल हैंगर में हैंग करके रखती हूँ, और ये नीचे एक टेबल ट्रे है, इसके ऊपर मैंने सारे कप्स ग्लास रखे हुए हैं। नीचे का स्पेस भी थोड़ा सा अच्छे से मैं यूटिलाइज कर पा रही थी, बट ये चीज़ें उतनी फंक्शनल नहीं थी और गंदगी बहुत जल्दी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो पा रही थी। तो मैं इन सारी ही चीज़ों को यहाँ पर रिमूव करूँगी और क्लीनिंग कर दूँगी। तो हमें अपनी किचन का लुक टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, वहाँ की डेकोरेशन या वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। इससे हर बार हमें एक नई किचन में जाने का मौका मिलता है। तो मैंने यहाँ पर रखा है ये 3-tier प्लास्टिक का रैक, और इसमें मैं अपने सारे ही जो कॉफ़ी मग्स हैं और जो कप्स हैं, जो ग्लास हैं, वो रखूँगी जिनकी हमें रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, जो गेस्ट के आने पर यूज़ होते हैं, उन सबको मैंने अंदर रखा है। और अब है ये एक वुडन प्लेट होल्डर, और इसमें मैं अपने चॉपिंग बोर्ड्स और कुछ सिरेमिक की एक दो प्लेट रखूंगी। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के टाइम पे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मैंने ऑर्गेनाइज करी हैं। और हैं अपने DIY की हुई ये क्यूट सी बॉटल के अंदर कुछ मनी प्लांट्स। तो मनी प्लांट मेरे घर में हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये इजी टू ग्रो है और बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस पानी चेंज करते रहिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। तो इस तरीके से मेरी किचन ऑर्गेनाइज हो गई। सो फ्रेंड, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आशा करती हूँ कि सारी ही चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप ट्राई भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ फिर से आऊंगी। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।